वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हमारा चैप्टर नंबर 9 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब इस चैप्टर के अंदर जैसे आपको चैप्टर के नाम से ही समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर के हम देखने वाले हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करने वाले हो, ठीक है। बट उससे पहले प्लांट के बारे में स्टडी करने से पहले हमें रूट के बारे में स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको हम इस पार्ट के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट अपन उससे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा एंजियोस्पर्म ओरियो। एंजियोस्पर्म जो होता है ना, एंजियोस्पर्म क्या होता है, आपके जो चैप्टर है या जहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है ना, उसका फर्स्ट टॉपिक है एंजियोस्पर्म। ओके, तो एंजियोस्पर्म के बारे में थोड़ा सा और भी देख लेते हैं हम एग्जैक्टली होता क्या है। दोस्तों एंजियोस्पर्म किसे कहते हैं, ओके, और एंजियोस्पर्म को आप कैसे पहचानोगे, मतलब कैसे हम पहचानेंगे कोई प्लांट एंजियोस्पर्म है या नहीं है, तो उसे हम देखते हैं। ओके, देखो एंजियोस्पर्म इज अ ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म मतलब एक सिंगल कोई टर्म नहीं है, एंजियोस्पर्म मतलब ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब उसके बहुत सारे टाइप्स आते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर बहुत सारे टाइप्स आते हैं, तो कौन से होते हैं तो देखते हैं यहाँ पे। दे डोमिनेट द प्लांट वुड एंड आर वेल एडेप्टेड टू वेरियस एनवायरमेंट, मतलब वेरियस एनवायरमेंट के अंदर वो एडेप्टेड होते हैं। ओके, ठीक है। शो अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, के बहुत सारे लॉट्स ऑफ मतलब क्या होते हैं, मतलब इनके फंक्शनलिटी होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इनके दोस्तों। ओके ओके, सीड्स ऑफ ऑर्गेन एंजियोस्पर्म, सीड्स ऑफ एंजियोस्पर्म जर्मिनेट द अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। इनके अंदर इनकी खुद की फेवरेबल कंडीशन, इनको जैसे जब जैसे इनको लगता है, जैसे इनको कंफर्टेबल होता है, वैसे हो गया वो क्या करते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इनके काम होता है, ठीक है। और देखो एंजियोस्पर्म के कौन कौन से टाइप्स आते हैं, कौन कौन से टाइप्स के अंदर एंजियोस्पर्म प्रेजेंट होता है दोस्तों, या फिर एंजियोस्पर्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों, उनके लिए दोस्तों हम कहते हैं देखो हाइड्रोफाइट जो प्लांट होते हैं, हाइड्रोफाइट्स मतलब क्या होते हैं, जैसे ऐसे प्लांट होते हैं जो कि आपके ग्रो होते हैं आपके एक्वेटिक हैबिटेट, मतलब ऐसे कुछ प्लांट होते हैं वो आपके वाटर के अंदर ग्रो होते हैं, उसे हम क्या होते हैं हाइड्रोफाइट प्लांट बोलते हैं। तो ये भी आपका एंजियोस्पर्म का ही एक हम बोल सकते हैं सब पार्ट है दोस्तों, ठीक है। सेकंड दोस्तों हम आता है यहाँ पे जेरोफाइट। जेरोफाइट मतलब क्या होता है, ऐसे प्लांट होते हैं जो क्या होते हैं, जो आपके रेनफॉल लाइक डेजर्ट के अंदर, मतलब जहाँ पे डेजर्ट जो एरिया होता है ना, वहाँ पे ज़्यादातर आपको ये जेरोफाइट के नाम के जो प्लांट है देखने को मिलते, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है जेरोफाइट प्लांट के अंदर इनके अंदर ज़्यादातर क्या देखने के मिलते हैं, हमें वाटर देखने के मिलता है, और ऐसे प्लांट ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलते हैं आपके डेजर्ट एरिया के अंदर। ओके, रेगिस्तान के अंदर ऐसे कुछ जहाँ पे बहुत ही पानी की बहुत ही मतलब शॉर्टेज होती है, वहाँ पे ज़्यादा ये प्लांट आपको देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। ओके, समझ आ गया, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों आपको। ओके, सैमोफाइट्स मतलब देखो पी यहाँ पे साइलेंट है, सैमोफाइट्स मतलब ये से जो प्लांट, ये प्लांट का भी देखने हमें वो देखा हमें सैंडी सॉइल के अंदर, जो भी सैंडी सॉइल होती है ना, सॉइल मतलब ऐसी सॉइल होती है, ओके, जो थोड़ी सी मतलब सैंड होती है, सैंड जैसी होती है, तो वो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। ओके, और इसका एग्जाम्पल दोस्तों क्या है, ओके, इलेमस इसे इसका एग्जाम्पल है, इसका हाइड्रिलिया एग्जाम्पल है दोस्तों, यहाँ पे इसका क्या है हमारा ऑपिटिया एग्जाम्पल है दोस्तों, ये एग्जाम्पल आप ध्यान में रखना, ठीक है। लिथो फाइट्स मतलब क्या दोस्तों, ऐसे प्लांट होते हैं वो कहाँ पे ग्रो होते हैं, ज्यादातर रॉक्स के अंदर ग्रो होते हैं, आपको पता है रॉक पत्थर के अंदर ग्रो होते हैं, तो ये आपको प्लांट पता होगे कौन से प्लांट पत्थर के अंदर ग्रो होते हैं, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हो, एग्जांपल ये आपको दोस्तों सिर्फ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है एग्जाम्पल के नेम्स, अगर आपने एग्जाम के अंदर आपने के आपको जो भी आपको टाइम पे याद आए इंडियन के अंदर जो भी मतलब रॉक के अंदर या फिर हो या फिर पानी के अंदर या फिर आपके डेजर्ट के अंदर जो भी प्लांट ग्रो होता है, अगर आपको कोई भी नाम याद में आ गया और आपने वो भी लिख दिया तो कोई बात नहीं, आपको मार्क्स वहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि मीनिंग यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपको वो प्लांट कहाँ पे ग्रो होते हैं वो आपको लिखना है, ऐसे जरूरी नहीं कि आपको यही नेम लिखने हैं, हाइड्रोलिया या फिर क्या हमारा ऑपिटिया या फिर इलियोमस, ये लिखना ये जरूरी नहीं है आपको, आपको सिर्फ क्या लिखना है वो प्लांट एक्चुअल में कहाँ पे मतलब ग्रो होते हैं वो आपको लिखना है, वो प्लेस के बारे में या फिर वो प्लांट के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं आपके लिए कि आपको ये प्लांट के नेम याद ही रखने हैं, ठीक है। लिथोफाइट आपको बोल दिया मैंने, तो ये काफी कुछ ज्यादा रॉक के अंदर ग्रो होते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है, हाइपोफाइट मतलब क्या था, ये ग्रोविंग दी सलाइन सॉइल, ओके, सलाइन सॉइल मतलब जो भी गंदी मिट्टी होती है ना, मतलब गंदी मिट्टी आपको पता होगा कीचड़ जैसा कुछ ऐसा होता है, तो वहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ओके, दैट इज कैसे प्लांट होते हैं हमारे रोजोफोरा प्लांट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट लड़के को जाते हैं, देखो हमारे यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारी मॉर्फोलॉजी, एक्जैक्टली यहाँ से हमारा क्या होता है मेन चैप्टर स्टार्ट होता है मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। मतलब एक्जैक्टली होते क्या है मॉर्फोलॉजी, मतलब दोस्तों मॉर्फोलॉजी मतलब सिंपल टर्म होता है, उसके अंदर होता है हमारा वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के अंदर हमारे तीन टॉपिक आते हैं, रूट स्टीम एंड लीफ। देखो रूट कहाँ पे आपका रूट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे रूट होता है रूट स्टीम एंड लीफ। ओके, रूट स्टीम एंड लीव्स, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर हमारा कहते हैं फ्लावर फ्रूट सीड, फ्लावर कहाँ पे यहाँ पे, फ्रूट कहाँ पे यहाँ पे होते हैं, और सीड कहाँ पे नीचे होते दोस्तों, या फिर सॉरी फूड के अंदर आपके सीड रहते, तो ओके तो क्लियर हो आपको। तो ये हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का एक छोटा सा एक मॉर्फोलॉजी है दोस्तों। ओके,
सेकंड दोस्तों हमारा रूट। अभी देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं रूट से, स्टार्ट करते हैं हम धीरे धीरे हम रूट से लेके हम डायरेक्टली हमारे जो भी शूट होता है ना वहाँ तक हम जाएंगे, ठीक है। तो रूट के अंदर डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ रूट आर दी डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोविंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी। मतलब ये क्या होता है, डिसेंडिंग पार्ट होता है, मतलब जो भी प्लांट होता है ना, प्लांट प्लांट का एक डिसेंडिंग पार्ट होता है रूट, वो क्या करता है ग्रोविंग करता है टुवर्ड्स द ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के पास वो ग्रो, मतलब ग्रेविटी के अपोज में क्या करता है ग्रो करता है, मतलब वो जमीन के अंदर ग्रो करता है दोस्तों। रूट क्या होता है, जमीन के अंदर ग्रो करता है और जमीन के ऊपर जाने के लिए भी ट्राई करता रहता है। ओके, उसको शूट जो होता है वो वहाँ पे ट्राई करता है जाने के लिए। उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर देखने वाले हैं, हमारे अपकमिंग पार्ट्स के अंदर, ठीक है। दोस्तों आपको मेरे आवाज़ थोड़ा सा खराब लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा मैं बीमार हूँ ना, तो इसकी वजह से मेरा थोड़ा आवाज़ लग रहा होगा थोड़ा अलग, आपको थोड़ा सा कम मतलब एडजस्ट कर लेना, ठीक है। रूट आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, रूट जो होते हैं क्या होते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, मतलब क्या होता है ग्रो टुवर्ड्स दी ग्रेविटी, वो ग्रेविटी के पास ही ग्रो करते हैं। एंड निगेटिवली पोटोट्रॉपिक, मतलब क्या होते हैं ग्रो टुवर्ड्स दी लाइट, मतलब निगेटिव कैसे होते हैं, निगेटिवली पोटोट्रॉपिक मतलब क्या होते हैं ग्रो अवे फ्रॉम लाइट, मतलब लाइट के अलग दिशा के अंदर क्या होते हैं वो ग्रो करते हैं। ओके, तो ये इसके फोटोट्रॉपिक और दोस्तों हमारे क्या निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं। ओके, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और निगेटिवली फोटोट्रॉपिक, ये इसके दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपके इसके ऊपर एमसीक्यू हो सकता है, ठीक है, एग्जाम के अंदर, तो आपको याद रखना है। या फिर आपने एग्जाम के अंदर रूट के बारे में, इसके बारे में अगर आपने थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है आपके रूट के बारे में, ठीक है। रूट के बारे में एक्चुअली ये हमारे किसके बारे में है, आई गेस ये रूट के बारे में दोस्तों, ये ठीक है, रूट के बारे में, मतलब रूट कैसे ग्रो होता है इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमारे नॉन ग्रीन, ओके, ग्रीन नहीं होता रूट, कभी ग्रीन नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। सिलेंड्रिक कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा, ऐसे सिलेंड्रिक शेप के अंदर कभी आपको नोड नोड एंड इंटरनोड, इसके अंदर नोड और इंटरनोड कुछ ऐसे कुछ चीज़ होती ही नहीं दोस्तों। ये जो सब कुछ चीज़ें दोस्तों, ये सब कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे शूट के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है, सिर्फ शूट के अंदर ही अप्लाई होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर ऑफ रूट, रूट क्या छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। देखो रूट का जो भी कैप होता है वो कैसा होता है, प्रोटेक्टेड द रूट टिप एज इट ग्रो थ्रू द सॉइल, मतलब दोस्तों जो भी प्रोटेक्ट्स द रूट कैप, रूट का जो भी टिप होता है दोस्तों, रूट का टिप किसके साथ प्रोटेक्ट होता है, ग्रोथ थ्रू द सॉइल, मतलब सॉइल के थ्रू क्या होता है वो ग्रो होता है और वो क्या करता है प्रोटेक्ट करता है, सॉइल क्या बोलती है उसकी प्रोटेक्ट करती है उस रूट की टिप को, ठीक है। सेकंड सीक्रेट दी म्यूसिलेज ऑफ ईजियर मोमेंट थ्रू दी सॉइल, मतलब क्या करता है वो म्यूसिलेज सीक्रेट करता है, जिससे क्या होता है सॉइल के अंदर उसको मूवमेंट करने के लिए आसानी होती है। मतलब म्यूसिलेज मतलब दोस्तों एग्जैक्टली होता क्या दोस्तों, अगर आपको मैंने आसान भाषा की समझने की कोशिश करूँ तो, अगर आपने दोस्तों आपने कभी किसी छोटा बहुत पौधा होगा तो उसको अगर आपने किसी उखाड़ के देखा होगा कभी, तो आपने देखा होगा कि वो जो रूट है वो बहुत ही मतलब बहुत ही ऐसा मतलब बोलते हैं बहुत ही सिली होता है, मतलब बहुत ही ऐसा मतलब आपको पता होगा यार, मैं मुझे एग्जांपल याद नहीं आ रहा है अभी, वो बहुत ही वो मतलब क्लीन होता है, बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसा चिपचिपा नहीं होता वो, सिर्फ बहुत ही मतलब ऐसा हाथ से हमारे ईजिली सटक जाता है, मतलब ईजिली निकल जाता है। तो उसके ऊपर क्या होता है क्या होता है हमारे म्यूसिलेज जो होता है ना वो उसके ऊपर सीक्रेट हुआ होता है, इसलिए क्या होता है वो ईजिली मतलब हमारे जो भी सॉइल उसके अंदर मूव करता रहता है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आता उसको, ठीक है, क्लियर है आपको म्यूसिलेज के बारे में। हेल्प इन डिटेक्टिंग ग्रेविटी, ये क्या करता है ग्रेविटी को डिटेक्ट करने के लिए, मतलब ये ग्रेविटी के मतलब ग्रेविटी के पास ही जाता है दोस्तों वो, तो इसे डिटेक्ट करता है, ठीक है। रीजन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का रीजन क्या दोस्तों, लोकेटेड जस्ट बिहाइंड दी रूट कैप, रूट कैप के जस्ट बिहाइंड उसके अपोज में क्या होता है वो वहाँ पे वो ग्रो करता है, ठीक है। कंटिन्यू एक्टिविटी डिवाइडिंग सेल इन द ग्रोथ, ओके, कंटिन्यू एक्टिविटी उसकी देखो रूट कैप के अंदर अपोज में क्या होता है हमारे यहाँ पे रीजन ऑफ रूट कैप होती है यहाँ पे, ठीक है। कंटिन्यूस कंटेन एक्टिविटी डिवाइडिंग सेल फॉर ग्रोथ, इसके अंदर क्या होता है सेल की ग्रोथ होने के लिए इसके अंदर कुछ कंटेन एक्टिविटी होती रही दोस्तों, ओके, ये इसका स्ट्रक्चर रूट के बारे में, ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, हम देखते हैं यहाँ पे रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन इसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या आपको होता है, बहुत ही सिंपल टर्म है, जस्ट वो सेल डिवीजन जोन, सेल डिवीजन जोन कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सेल डिवीजन जोन, आई थिंक इन्होंने यहाँ पे स्ट्रक्चर में नहीं रखा है वो, तो सेल डिवीजन जोन के बाद क्या होता है इनके अंदर इलोंगेशन होता है दोस्तों, ओके, तो उसको हम देखते हैं यहाँ पर, सेल इलोंगेट्स एंड इंक्रीज रूट लेंथ, रूट की लेंथ इंक्रीज होती है, सेल इलोंगेट होती है, मतलब क्या इसके अंदर रूट क्या होती है इंक्रीज, रूट की लेंथ इंक्रीज होती है। हेल्प इन एब्जॉर्बिंग एंड मिनरल्स, मतलब मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए इनके अंदर क्या होता है रूट की लेंथ जो क्या होती है इंक्रीज होती है, दैट इज उससे हम क्या होते हैं इलोंगेट होती है, क्या होती है इलोंगेट होती है, ठीक है। हेल्प इन एब्जॉर्बिंग मिनरल, ठीक है। रीजन ऑफ रूट हेयर, रूट के जो भी हेयर उसके अंदर कुछ रीजन, तो वो जो रीजन होता है वो क्या करता है एब्जॉर्बिंग जोन, मतलब एब्जॉर्प्शन जोन उसे बोलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एब्जॉर्ब करने का काम करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। कंटेन रूट हेयर दैट इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, वो क्या करते हैं उनका जो भी सर्फेस एरिया वो इंक्रीज करते हैं फॉर रूट को, मतलब जो रूट है उनका उनको वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए मदद होनी पाए,
मदद हो पाए अच्छे से, इसलिए वो क्या कहते हैं उनका जो सर्फिस एरिया रूट हेयर का वो क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, रूट हेयर आर शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस एवरी 10 to 15 days, मतलब हर 10 से 15 दिन के बाद क्या होता है मतलब जो रूट के हेयर थे वो क्या होते हैं चेंज होते रहते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं। ओके, शॉर्ट मतलब उनका छोटी बहुत ही छोटी इनकी ज़िंदगी होती है, 10 से 15 दिन की होती है। ठीक है, सेकेंड दोस्तों हमारे यहाँ पे आता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन मतलब जो भी रूट का जो भी रीजन ऑफ मैचुरेशन है तो वो कहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम के अंदर, तो रीजन ऑफ मैचुरेशन यहाँ पे क्या होता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है तो होता क्या, इसके अंदर सेल मैच्योर फ्रॉम टिश्यू एंड बिकम द इम्परमेंटेबल टू वाटर। मतलब जो क्या होता है इसके अंदर सिंपली मतलब जो भी रूट का जो भी सेल होता है ना रूट से तो क्या होता है मैच्योर हो जाता है फ्रॉम टिश्यू के थ्रू से होता है बिकम इम्परमेबल टू वाटर, मतलब वाटर का जो भी उसके साथ कांटेक्ट था ना वो बहुत ही कम हो जाता है, मतलब एग्जैक्ट उसके अंदर कांटेक्ट होता है वो वाटर को ही एब्जॉर्ब करके आगे उनका प्लांट की ग्रोथ होती है बट फिर भी वो इम्परमेबल हो जाता है वहाँ पे। द रीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग द प्लांट इन द सॉइल एंड कंडक्टिंग एब्जॉर्ब मिनरल्स। ओके, मतलब जो रीजन होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग, ये रीजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फिक्सिंग द प्लांट इन द सॉइल, मतलब प्लांट को सॉइल के अंदर फिक्स करने के लिए ये रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, ठीक है, एंड कंडक्टिंग एब्जॉर्ब मिनरल ये भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आपको ये रीजन ऑफ मैचुरेशन का मीनिंग समझ में आ गया, ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट को सॉइल के अंदर फिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ऐसे कुछ इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आए इन दोनों टर्म्स के अंदर तो हम किसको ज्यादा डायरेक्टली जाके बोल सकते हैं, वो होता है हमारा रूट ऑफ मतलब रीजन ऑफ मैचुरेशन, इसको हम डायरेक्टली जाके बोल सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है उसको ठीक करो जी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता बट आपको मैं बोल रहा हूँ क्यों हम किसको ब्लेम करेंगे तो वो होगा और रीजन ऑफ मैचुरेशन। ठीक है, लिटरल रूट डेवलप हेयर, मतलब जो भी लिटरल रूट है वो यहाँ पे डेवलप होते हैं। ठीक है, देखो फंक्शन देखते हैं हम रूट के बारे में थोड़ा सा, देखो प्राइमरी फंक्शन होता है और सेकेंडरी फंक्शन होते हैं रूट के बारे में कुछ। देखो प्राइमरी फंक्शन कैसे होते हैं, फिक्सिंग और एंकरिंग दी प्लांट्स टू दी सॉइल, मतलब प्लांट के अंदर सॉइल को फिक्स करने का काम करते हैं। ठीक है, ओके, एंकरिंग करने का काम करते हैं, एब्जॉर्विंग वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल को क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं सिंपली, इनका फंक्शन होता है प्राइमरी फंक्शन इनका ये होता है, कंडक्टिंग दिस मिनरल्स टू दी स्ट्रीम, ये क्या करते हैं स्ट्रीम को क्या करते हैं मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कंडक्टिंग दिस मिनरल्स टू दिस स्टीम। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, कैन बी मॉडिफाइड द स्टोरेज एंड रिप्रोडक्शन, मतलब इसके अंदर क्या होता है ये मॉडिफाई करते रहते हैं स्टोरेज को और रिप्रोडक्शन को मॉडिफाई करते रहते हैं रूट्स के अंदर। ओके, तो ये इनका ये मेन फंक्शन होते हैं दोस्तों। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शन, टाइप ऑफ रूट, रूट के कुछ टाइप्स होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं और इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, देखो रूट के दो टाइप्स होते हैं जनरली, टैप रूट होता है उसे हम ट्रू रूट बोलते हैं और सेकंड हमारा क्या है एडवेंटियस रूट होता है, और अब आप कह सकते हो यहाँ पे ट्रू रूट होता है तो फॉल्स रूट का आप है दोस्तों, तो ऐसा नहीं होता, ट्रू रूट ही होता है, वो होता है सच्चाई रूट होता है, सच्चाई आदमी होता है, झूठा आदमी नहीं होता, होता है आदमी के अंदर होता है, इंसान के अंदर होता है बट रूट के अंदर ऐसा नहीं होता, सच्चाई रूट होता है सिर्फ। ठीक है, तो टैप रूट मतलब क्या होता है, डेवलप फ्रॉम रेडिकल ऑफ द इम्ब्रियो, मतलब जो भी रेडिकल होता है इम्ब्रियो का वहाँ से वो क्या होते हैं डेवलप होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, जैसे चैप्टर के बारे में हम डिटेल में देखेंगे आगे जानेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, द मेन रूट इज कॉल्ड प्राइमरी रूट, उसे हम क्या होता है प्राइमरी रूट जो होता है क्या कहता है मतलब ऐसा कुछ इनके मेन रूट यही होता है क्या कहता है डेवलप दी रेडिकल फ्रॉम एम्ब्रियो के थ्रू। ओके, फाउंड इन डाइकॉट, जहाँ डाइकॉट प्लांट के अंदर देखने को मिलते हैं, डाइकॉट प्लांट और मोनोकॉट प्लांट के बारे में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आई गेस पिछले चैप्टर के अंदर। देखो डाइकॉट प्लांट क्या होता है मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, डाइकॉट प्लांट मतलब क्या होता है जिसके ऐसे कुछ प्लांट होते हैं उन प्लांट के अंदर जो भी सीड्स होते हैं वो कैसी होती है उनके अंदर दो सीड्स प्रेजेंट होती है जनरली एक दूसरे का दो चिपकी होती है, मतलब ज़्यादा कुछ टाइट चिपकी नहीं होती वो नॉर्मल चिपकी होती है, वो अगर हमने उसको उस सीड को अगर दो पार्ट के अंदर डिवाइड करने की कोशिश की तो वो इजीली डिवाइड हो जाता है सिमिलर पार्ट्स के अंदर, तो उसे हम क्या होते हैं डाइकॉट प्लांट बोलते हैं। और मोनोकॉट प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही सीड होता है और वो डिवाइड करने के वक्त क्या होता है वो अगर हमने ज़बरदस्ती उसको डिवाइड करने की कोशिश की तो क्या होता है मतलब परफेक्ट पार्ट के अंदर डिवाइड नहीं हो पाता। ठीक है, तो उसे मोनोकॉट प्लांट बोलते हैं। ठीक है, और डाइकॉट प्लांट का एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है पी होता है आपका, आपको तो पी का प्लांट जो होता है ना वोटाने का प्लांट होता है वो होता है, बीन का होता है, सनफ्लावर का होता है, इनके अंदर क्या होता है डायरेक्टली दो पार्टीशन हो जाते हैं इजिली। ओके, और वो भी सिमिलर पार्टीशन हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या है एडवेंटियस रूट, एडवेंटियस रूट मतलब एग्जैक्टली होता क्या दोस्तों होता है हमारा ग्रोथ फ्रॉम प्लांट अदर देन दी रेडिकल लाइक बेस ऑफ द स्टीम, मतलब जो भी प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है वो अदर देन रेडिकल है, जो रेडिकल अदर देन उनके जैसे नहीं होते रेडिकल जैसे होते हैं लाइक बेस ऑफ द स्टीम, स्टीम के जैसे बेस होता है ना वैसे इनकी क्या होती है ग्रोथ दोस्तों। ओके, तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ओके, तो
समझ में आ रहा होगा दोस्तों मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, कॉमन इन मोनोकॉट, मोनोकॉट के अंदर ये कॉमनली ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं हमें। ओके, इसका एग्जांपल क्या है, अब देखो मोनोकॉट के अभी एग्जांपल दे रखा है मेज और वीट। ओके, मेज और वीट, आपको पता है मेज मतलब क्या होता है, जैसे आपको आपने कॉर्न खाया होगा दोस्तों, कॉर्न CORN, कॉर्न आपने खाया होगा ना, तो कॉर्न कैसा होता है, कॉर्न का ये टाइप होता है दोस्तों मेज। ठीक है, और वीट मतलब क्या होता है, वीट आपको पता है गेहूं होता है, तो गेहूं आपको पता है गेहूं के कभी दो पार्ट होते हैं दोस्तों, आपने देखा है कभी दो पार्ट होते हैं गेहूं के, जबरदस्ती करने जाओ तो हो गए वो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होते वो, बट अगर आपने देखा होगा ठीक से, जो आपका पी का प्लांट होता है, पी का जो भी मतलब सीड होता है और आपका वीट का सीड होता है, तो वो जल्दी मतलब एज कम्पेयर टू पी, वीट का सीड का भी इजीली मतलब ये नहीं होता, डिवाइड नहीं होता और प्रॉपरली डिवाइड नहीं होता, क्योंकि उसको हमें ज़बरदस्ती करना पड़ता है तभी वो डिवाइड होता है, वो भी ठीक से नहीं होता, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है मोनोकॉट का। ठीक है, कैन बी यूज इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज़ करते हैं, और ये उसके दो इसके प्लांट के टाइप्स है, देखो टैप रूट ऑफ सिस्टम ऐसी होती है, और एडवांस टैप रूट सिस्टम, ये एडवांस टैप रूट सिस्टम होते हैं जिसके अंदर क्या होता है हमारा मेज और वीट के जो भी प्लांट होते हैं ऐसे कुछ इसके अंदर प्लांट्स है दोस्तों, देख सकते हो। ठीक है, ऐसे कुछ इनके रूट्स होते हैं वो ऐसे फैले हुए होते हैं, और जो भी हमारा टैप रूट होते हैं उसके अंदर क्या होता है हमारा पी होता है और बीन सनफ्लावर होते हैं, इनके कुछ ऐसे कुछ रूट होते हैं दोस्तों। ओके, तो आपको क्लियर होगा, ये भी बहुत सिंपल मतलब एग्जांपल था। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, रूट का मॉडिफिकेशन कैसा होता है दोस्तों, रूट में अंडरगो चेंजेस टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, रूट जो होता है वो क्या करता है स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है मॉडिफिकेशन के लिए, दीज आर कॉल्ड कुछ हम बोलते हैं मेटामॉर्फोड रूट, मेटामॉर्फोस रूट बोलते हैं। एग्जांपल क्या है इसके, इंक्लूडिंग इसके अंदर क्या होता है रूट यूज इन स्टोरेज, रूट क्या करता है स्टोरेज, स्टोरेज को एज स्टोरेज यूज करता है, लाइक वाटर को स्टोर करने के लिए, मिनरल्स को स्टोर करने के लिए। ओके, ब्रीदिंग करता है वो, रूट भी करता है ब्रीदिंग, उससे आपको पता होना चाहिए। प्रोपोगेशन करता है, प्रोपोगेशन मतलब क्या होता है, वो जनरेशन करता है, मतलब वो डिवाइड करता रहता है यार सिर्फ खुद को नेक्स्ट, मतलब देखो एक रूट हुआ ना तो उसके साथ दो तीन रूट और आ जाते हैं, आपको पता होगा जैसे जैसे प्लांट बढ़ा था वैसे वैसे, दैट इज वहाँ पे क्या होता है प्रोपोगेशन होता है दोस्तों। तो क्लियर होगा आपको, ये भी बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों स्लाइड आप यहाँ पे आती है हमारे यहाँ पे MCQ की स्लाइड होते हैं। ठीक है, वॉट इज द एंजियोस्पर्म सेकेंडरी ग्रोथ एज, मतलब एंजियोस्पर्म की सेकेंडरी ग्रोथ कैसी होती है दोस्तों, हमारी फ्लावरिंग प्लांट्स के थ्रू होती है। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन, सेकंड विच पार्ट ऑफ द रूट प्रोडक्ट प्रोटेक्ट द रूट टिप एज इट ग्रोथ थ्रू द सॉइल, दोस्तों होता है हमारा रूट क्या है, रूट क्या भी तो करती है सब कुछ। ठीक है, सेकंड हमारा विच टाइप ऑफ रूट डेवलप्स फ्रॉम दी रेडिकल, रेडिकल के थ्रू कैसे कौन सा रूट डेवलप होता है, होता है हमारा टैप रूट, टैप रूट जो तो वो हमारा रेडिकल के थ्रू डेवलप होता है। द रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम एनी पार्ट अदर देन रेडिकल इज कॉल्ड, मतलब ऐसा कौन सा पार्ट होता है रूट का जो अदर देन रेडिकल मतलब विदाउट रेडिकल भी वो डेवलप हो जाता है। ओके, तो होता है हमारा एडवांटेजियस रूट। ओके, उसे हम बोलते हैं एडवांटेजियस रूट बोलते हैं, जैसे कि आपको मैंने एग्जाम्पल दे दिया था कि वो होते हैं हमारे वीट और आई गेस मेज के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, आई मीन इसका ऑप्शन है राइट। ठीक है, रूट इज मेन फंक्शन ऑफ रूट हेयर, रूट हेयर का मेन फंक्शन दोस्तों क्या होता है हमारा एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स, इसका यही तो मेन फंक्शन है और क्या है, वो कुछ खाना तो खाता नहीं वहाँ पे नीचे, वो कुछ मतलब लाइक ऑक्सीजन लेता है दोस्तों, बट वो कुछ लाइक सन के जो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो वहाँ पे प्रोसेस नहीं होती परफॉर्म, उसको खाने के लिए कुछ और होता ही नहीं, उसका खाने के लिए क्या होता है वो वाटर ही होता है दोस्तों। ठीक है, एब्जॉर्बन करता है वाटर का, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हमारा बी राइट ऑप्शन है। विच रीजन ऑफ द रूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्बन ऑफ मिनरल्स, होता है हमारा रीजन ऑफ रूट हेयर, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। आपको इसकी में से क्या दोस्तों, एमसीक्यू में से आपके माइंड के अंदर नहीं फिर से ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाती है सब कुछ, तो इसलिए से मैं चाहता हूँ कि आप अगर यहाँ तक अगर वीडियो को देख रहे हो तो अच्छी बात है, और आपके दोस्तों को भी बता दोस्तों यार यहाँ तक वीडियो देखने के लिए कुछ करो यार, क्योंकि क्या होता है अगर आपको ये पार्ट अगर आपने मिस कर दिया ना एमसीक्यू का, तो आपको समझ में नहीं आई थ्योरी, मैं जानता हूँ अच्छी थ्योरी समझ में नहीं आई, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ाने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आता है समझ में ऐसा नहीं कह रहा है मैं, बट आपको समझ में कितना आता है अराउंड 60-70% समझ में आ जाता है, बट वो मैं मेरा फोकस दोस्तों वो बचे हुए 20-30% पर, क्योंकि 60-70% तो कोई भी पढ़ा लेता है, कोई भी समझा भी देता है कोई भी टीचर, बट जो 30-20% जो बचता है अगर वो भी समझ में आ गए बच्चे को, तो मतलब क्या ही हो जाएगा यार, मतलब उसको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने की अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, तो उसके ऊपर मेरा फोकस होता है, तो वो उसके लिए मैंने मतलब एक टेक्निक निकाली कि एमसीक्यू को भी एक्सप्लेन करो आपके लिए, तो आप क्या करो सिर्फ मुझे सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब कर देना चैनल को इसके, आपके लिए तो ये नए नए आइडिया ढूंढ के लाता हूँ ना मैं। ठीक है, बहुत टाइम पास हो रहा है आपके साथ मतलब बातचीत के वक्त। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पे आई थिंक नहीं लिया मैंने, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ।
व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ द रीजन ऑफ सेल डिवीजन इन रूट, मतलब रूट के अंदर कौन सा मेजर फंक्शन होता है सेल डिवीजन के लिए? दोस्तों होता है हमारा एक्टिव ग्रोथ थ्रू सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के पास अगर एक्टिवली ग्रोथ हो रही किसी की तो वहाँ पे उसका ये मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होता है डिवीजन के लिए, ओके सेल डिवीजन के लिए, ठीक है। सेकंड, विच टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज कॉमनली फाउंड इन मोनोकॉट लाइक मेज एंड वेट, कौन से सिस्टम होती है हमारी फाइबरस रूट सिस्टम, उसे मतलब फाइबरस रूट सिस्टम बोलते दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको मैंने आपको पढ़ाई भी नहीं था आई गेस हमारे इस पार्ट के अंदर, तो बट ठीक है याद रखना फाइबर रूट सिस्टम होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है हमारा मतलब मोनोकॉट जैसे प्लांट होते हैं ना वो फॉर्म होते हैं, ओके उसके अंदर ज्यादातर ये ज्यादा सिस्टम यूज होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इन विच प्लांट डू वी सी मल्टीपल रूट कैप्स इन साइड ऑफ दिस सिंगल वन, मतलब ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके अंदर बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं दोस्तों। हमारा पैंडिनियस बोलते हैं, उसे कहते हैं पैंडिनियस बोलते हैं, हम कहते हैं स्क्रूपी बोलते हैं, स्क्रूपी मतलब स्क्रूपी पाइन, स्क्रू पाइन बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा ये राइट ऑप्शन है, आपको सर्च करके एक बार देख लो गूगल पे कैसे दिखता है वो प्लांट, ठीक है। सेकंड हमारा, व्हाट हैपन इन द रीजन ऑफ मैचुरेशन साइकिल, ओके मैचुरेशन इन रूट, रूट की जो मैचुरेशन साइकिल होती है उसके अंदर क्या होता है एग्जैक्टली, उसके अंदर क्या होता है सेल स्टॉप ग्रोविंग एंड बिकम इनपरमेबल टू वाटर, मतलब वाटर क्या होता है वो इनपरमेबल हो जाता है दोस्तों, तो ग्रोविंग स्टार्ट कर देता है सेल की सॉइल के अंदर, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन था, मेरा राइट ऑप्शन, ओके। तो आज दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी बहुत अच्छी, वीडियो के ऊपर लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ भी आपको हमारे इस चैनल के लिए मेरी थोड़ी सी मेहनत के लिए, ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ आपको, आपको बताया गया आपको दिख ही रहा होगा ये, क्योंकि मैंने देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे हमारे अराउंड 370-380 वीडियोज़ हो गए, और आपके लिए मेहनत तो कंटिन्यूसली कर रहा हूँ मैं, और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो आप यार, फिर भी अगर आपको लगता है मेरी मेहनत कहीं पे कम पड़ रही है तो वैसा मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो, और सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर देना इस वीडियो को, ओके। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इसके अंदर हम कुछ एडवांस टॉपिक्स देखेंगे इस चैप्टर के, ठीक है।